Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. Hi friends, welcome to the desk. Deva English Spoken Class. Friends, I taught you one day about the noun. What is the noun? And I explained about the noun, all the four kinds of noun. Okay? Today I am going to teach you about the adjective. What is the adjective? जिसको हम हिंदी में विशेषण बोलते हैं. Okay friends? तो let's start the class of the day. Friends, adjective के बारे में सबने सुना होगा, means विशेषण के बारे में. What is the adjective? Adjective होता क्या है? Means विशेषण होता क्या है? क्लास शुरू करने से पहले हम देखते हैं वो इंग्लिश वीडियो. What a long queue! And how crowded the buses are! All the seats are occupied. And there is a little standing room. Then we may have to keep standing all the way. How many buses play in this route? About 10 buses run every 15 minutes. The State Transport Corporation should be put up special house during the pujas. It's not possible because the corporation is now a white elephant. Why so? People travel without ticket. Good heavens. Yes. Friends, एडजेक्टिव का मतलब तो आप जानते ही हैं कि विशेषण होता है. एडजेक्टिव एक पार्ट्स ऑफ द स्पीच है, मीन्स पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रकार हैं. पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो प्रकार होते हैं उसमें एडजेक्टिव भी आता है, नाउन भी आता है, प्रोनाउन भी आता है, एडवर्ब कंजक्शन ये सब वगैरह बहुत सारे कुछ आते हैं. मैं एक दिन आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में सारा वीडियो एक ही वीडियो में पूरा बनाकर आपको बता दूंगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है और पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने भेद होते हैं और उसके उसको एक एक करके समझा दूंगा. ठीक है, तो आज हम जानेंगे एडजेक्टिव के बारे में कि एडजेक्टिव हम कैसे पहचानेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत ही सिंपल बात है और बहुत ही सिंपल मेथड है पहचानने का कि जब भी कोई भी शब्द किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, या नाउन या प्रोनाउन कोई भी शब्द जब किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है या उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता है तो उसका हम एडजेक्टिव बोलते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, जैसे राम मेरा भाई है. ठीक है, राम मेरा भाई है, तो राम इज माय ब्रदर. वह अच्छा गाता है, ही सिंग्स गुड या वेल. तो इसमें राम मेरा भाई है, देयर इज नो एनी एडजेक्टिव, बट वह अच्छा गाता है, तो ही सिंग्स वेरी वेल, वेरी गुड. तो गुड इज द एडजेक्टिव, क्योंकि ये शब्द है, ये वो शब्द है जो प्रोनाउन की विशेषता बता रही है. प्रोनाउन इज द ही यहाँ पे प्रोनाउन हो गया. अगर मैं बोलता हूँ कि राम अच्छा गाता है तो राम इज द नाउन. अगर मैं बोलूँ कि वह अच्छा गाता है तो वह इज द प्रोनाउन. ठीक है फ्रेंड्स, आई यू वी दे ही सी इट, दिस ऑल आर द प्रोनाउन्स. ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से कोई भी शब्द जब किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताए या उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे तो उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं. बहुत ही सिंपल बात है कि किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, किसी भी चीज़ वस्तु विशेष के बारे में, तो उसको हम एडजेक्टिव ही बोलेंगे. जैसे कोई छोटा, गोरा, लंबा, चौड़ा, मजबूत, कमज़ोर, गरीब, अमीर, ये सारे के सारे एडजेक्टिव होते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, जैसे हम सेंटेंस लिख कर हम बताते हैं आपको कि एडजेक्टिव राम इज अ टॉल बॉय. राम इज अ टॉल बॉय, राम एक लंबा लड़का है. तो इसमें कौन सा शब्द है जो राम की क्वालिटी बताती है, क्वालिटी मीन्स विशेषता, तो उसकी विशेषता कौन सी बताती है, कौन सा शब्द है टॉल. राम क्या है, कैसा लड़का है, लंबा लड़का है, तो टॉल इज द एडजेक्टिव. ठीक है फ्रेंड्स, टॉल इज द एडजेक्टिव. तुम मुझसे
मजबूत हो, तुम मुझसे मजबूत हो तो यू आर स्ट्रॉन्गर देन मी। इसमें एडजेक्टिव क्या हो गया? स्ट्रॉन्गर, यू आर स्ट्रॉन्गर देन मी। ठीक है, तो ये विशेषता बता रहा है, स्ट्रॉन्गर इज द एडजेक्टिव, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है कि तुम मुझसे मजबूत हो। तुम मुझसे क्या हो? मजबूत। तो मजबूत होना उसकी एक क्वालिटी है जो बताई जा रही है। अब क्वालिटी अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। सब्जेक्ट के लिए क्वालिटी नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। सिर्फ अच्छा ही नहीं होगा कि तुम मुझसे मजबूत हो, तुम लंबे हो, तुम बहुत अच्छा गाते हो, तुम बहुत गोरे हो, सिर्फ ऐसा ही नहीं हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि तुम बौने हो, तुम छोटे हो, तुम गरीब हो, तुम भोंदू हो, मीन्स कुछ भी उसके नेगेटिव पॉइंट भी हो सकते हैं। क्वालिटी का मतलब कुछ भी, क्वालिटी मतलब जो उसके अंदर क्वालिटी है, विशेषता है। ठीक है, उसकी खराब है चाहे अच्छा है, उसकी क्वालिटी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए डिग्री में पॉजिटिव, कंपेरेटिव, ये मैंने आपको पढ़ा दिया सब, सुपरलेटिव, ये जितने भी तीनों होते हैं सारे के सारे एडजेक्टिव ही कहलाएंगे। जैसे अगर हमने टॉल लिखा तो टॉल इज द पॉजिटिव, और इसमें कंपेरेटिव इसका बनाना है तो ईयर लगा देते हैं, और इसका सुपरलेटिव बनाना है तो ई एस टी लगा देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह का भी अगर शब्द आपको दिखे तो दिस ऑल आर एडजेक्टिव। ठीक है फ्रेंड्स, अब पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री में अगर शब्द हो, कोई भी शब्द हो, तो वह एडजेक्टिव ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब दूसरा भी होता है, इसमें मोर और मोस्ट लगाकर भी हम एडजेक्टिव में लगाते हैं, जिसको डिग्री कहते हैं, हम डिग्री में इस्तेमाल करते हैं कि कोई सुंदर है, राधा सीमा से सुंदर है, तो राधा इज मोर ब्यूटीफुल देन सीमा। राधा सबसे सुंदर लड़की है, तो राधा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल गर्ल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें जो भी मोस्ट ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, ये हुआ, दिस इज ऑल्सो एडजेक्टिव। ठीक है फ्रेंड्स, तो एडजेक्टिव में बहुत कुछ होता है। जैसे हम कुछ और एक सेंटेंस लेते हैं कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, आई हैव सम मनी, आई हैव सम मनी। यहाँ पर मेरे पास कुछ पैसे हैं, यहाँ पर मेरे पास, मेरे बारे में ये जो कुछ शब्द है ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमारी कि मेरे पास कुछ पैसे हैं, इसलिए सम इज द एडजेक्टिव। ओके फ्रेंड्स, हियर इन दिस सेंटेंस सम इज द एडजेक्टिव। इसी तरह से सम, लिटिल, फ्यू, मोर, मोस्ट, दिस ऑल आर द एडजेक्टिव। ओके फ्रेंड्स, आप मतलब यही मत सोचना कि अच्छा, बुरा, गोरा, काला, धनी, गरीब, यही सब सिर्फ एडजेक्टिव होंगे। अगर इस सेंटेंस में इस तरह के भी वर्ड्स हो, सम, फ्यू, लिटिल, मोर, मोस्ट, तो वो भी एडजेक्टिव ही होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अभी मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा क्वालिटी के बारे में कि क्वालिटी क्या चीज़ होती है, मीन्स अच्छा होना, बुरा होना, सब क्वालिटीज होती है। जैसे वो पढ़ने में बहुत तेज है, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट इन स्टडी। ठीक है फ्रेंड्स, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट इन स्टडी, तो इंटेलिजेंट उसकी क्वालिटी बताती है कि वो तेज है, तो इंटेलिजेंट इज द एडजेक्टिव। ठीक है फ्रेंड्स, एक सिर्फ हम एक शब्द को ही एडजेक्टिव में शामिल नहीं रख सकते हैं। आप ये मत समझना कि सिर्फ एक शब्द ही एडजेक्टिव हो सकता है, पूरा का पूरा सेंटेंस भी कभी कभी पूरा एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे अभी इस सेंटेंस को आप पढ़िए, वह मेरा भाई है जो पेड़ के नीचे खड़ा है, तो दिस इज द सेंटेंस। और ये जो है, ये सेंटेंस जो है, ये इन्फॉर्मेशन देता है इसके बारे में, वह मेरा भाई है, तो ही इज माई ब्रदर। ठीक है, अब इसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हु इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री। यहां से लेके यहां तक
ये पूरा का पूरा सेंटेंस हम एडजेक्टिव ही बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है अगर अच्छी तरह से समझ में ना आया हो तो, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन देना आपको मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि कभी कभी पूरा का पूरा सेंटेंस भी एडजेक्टिव किस तरह से हो जाता है। तो मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से वो मेरा भाई है जो पेड़ के नीचे खड़ा है, तो जो पेड़ के नीचे खड़ा है दिस इज द ऑल इन्फॉर्मेशन, इसलिए दिस इज द एडजेक्टिव। ओके फ्रेंड्स, तो ये एडजेक्टिव था। बाकी सब जितने भी सिंगल वर्ड्स में आते हैं, क्वालिटी आते हैं और कुछ क्वांटिटी के बारे में जो जो भी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि थोड़ा है, बहुत है, कम है, तो वो सब भी एडजेक्टिव ही होते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि एडजेक्टिव क्या होता है। फिर भी एक बार फिर से मैं बता देता हूँ आपको कि जो भी शब्द किसी भी नाउन या प्रोनाउंस की क्वालिटी बताती है, जो भी शब्द किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताए उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। कुछ भी, गोरा, काला, तेज, भोंदू, बौना, लंबा, मजबूत, कमज़ोर, धनी, गरीब, ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं एडजेक्टिव होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और क्वांटिटी में जो आता है कुछ, थोड़ा, बहुत, ये भी एडजेक्टिव होते हैं। और कभी कभी ऐसे हालात में जब इस तरह के सेंटेंस आते हैं तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस एडजेक्टिव कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।